गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज आप लोगों का हिंदी इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोग अपने कोर्स में अल्फ़ाबेट लेटर ए टू एन कैपिटल लेटर को लिखना सीखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर इंग्लिश की 4 लाइन वाली कॉपी ली है, उसमें मैंने कुछ बॉक्सेस बनाया है जिसमें आप लोगों को अल्फ़ाबेट लेटर ए टू एन लिखना है इंग्लिश। ये देखिए, मैं शुरू कर रही हूँ बच्चों। ये मैंने 2 स्टैंडिंग लाइन ली है, 2 स्लेंटिंग लाइन लिया है बच्चों, 1 स्लिपिंग लाइन से इसको इस तरह से जोड़ दिया, तो ये बन गया इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर ए। अब यहाँ पर देखिए, 1 स्टैंडिंग लाइन अप टू डाउन मैंने लिया, 2 कर्व लाइन से मैंने बी को इस ढंग से मिलाया, ये बन गया बी। फिर 1 कर्व लाइन से मैंने इस तरह से सी को बनाया, फिर 1 स्टैंडिंग लाइन लिया अप टू डाउन और 1 कर्व लाइन से इसको जोड़ा मैंने, तो ये बन गया लेटर डी। अब यहाँ देखिए, 1 स्टैंडिंग लाइन लिया मैंने, 2, 1, 2 एंड 3 स्लिपिंग लाइन से मैंने लेटर ई को लिख के दिखाया आप लोगों को। इस तरह से बच्चों लाइन से आप लोगों को इंग्लिश अल्फाबेट का सभी लेटर लिख सकते हैं। देखिए, ई लेटर मैंने लिखा यहाँ, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एफ लेटर। 1 स्टैंडिंग लाइन लिया मैंने, इस तरह से 2 स्लिपिंग लाइन से मैंने लेटर एफ लिखा। अब यहाँ पर 1 कर्व लाइन को लिया मैंने, इस तरह से मोड़ते हुए उसे मैंने जी बना दिया। अब यहाँ पर 2 स्टैंडिंग लाइन लिया, 1 स्लिपिंग लाइन से इसको जोड़ा, तो ये बन गया एफ लेटर। अब यहाँ पर देखिए, 2 स्लिपिंग लाइन और 1 स्टैंडिंग लाइन को मिलाते हुए मैंने आई लेटर लिखा। अब यहाँ पर मैं जे लेटर लिख रही हूँ बच्चों, ये देखिए, ये लेटर बन गया जे। अब यहाँ पर है ये के लेटर, अब ये है एल, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एम, ये देखिए बच्चों एम लिखा मैंने। यहाँ पर लेटर लिख रही हूँ मैं एन। इस तरह से मैंने राइट द कैपिटल लेटर्स फ्रॉम ए टू एन मैंने आप लोगों को इंग्लिश की कॉपी में लिख के बताया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। इस तरह से मैंने ए से लेके एन तक आप लोगों को कैपिटल लेटर लिखना सिखाया। ओके बच्चों, इसे आप लोग इंग्लिश की 4 लाइन वाली कॉपी में होमवर्क बनाकर सबमिट कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।